नमस्ते एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑन इंसाइडर ट्रेडिंग लॉज बच्चों अभी तक इंसाइडर ट्रेडिंग को लेकर के हमने ऑलमोस्ट अपने सारे प्रोविजंस पढ़ लिए हैं जो कि इंसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस मेड बाय सेबी इन द ईयर 2015 में दिए गए थे और अब ये लेक्चर हमारा वो लास्ट लेक्चर है जिसमें हम इंसाइडर ट्रेडिंग के बचे हुए प्रोविजंस जो कि कोड ऑफ फेयर और कोड ऑफ कॉन्डक्ट पर आधारित है वो पढ़ने वाले हैं इफ रेगुलेशन दैट वीर्ड अपन नंबर थ्री से हमने शुरुआत करी थी और रेगुलेशन नंबर थ्री में हमने कम्युनिकेशन और प्रोक्योरमेंट ऑफ अनपब्लिश प्राइसिटिव इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था रेगुलेशन फोर ने हमें परमिशन और रिस्ट्रिक्शन समझाए थे इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग वाइल एंड पोजेशन ऑफ यू पी एस आई कब आप कर सकते हो ट्रेडिंग कब आप नहीं करोगे when you are prohibited and when you are permitted, ये हमें रेगुलेशन नंबर no. में बताया गया और जब ट्रेडिंग करी जाएगी तो उसके लिए इन को अपने ट्रेडिंग प्लान पहले से बनाना है the plans that shall be approved by the compliance officer and that shall बी given टू द स्टॉक एक्सचेंजेस फॉर द पब्लिक disclosure ऑफ द सेम वो चीजें हमने रेगुलेशन फाइव में पढ़ी। रेगुलेशन फाइव पढ़ने के बाद रेगुलेशन सिक्स और सेवन पर जब हम गए तो ये डिस्क्लोजर्स पर आधारित रेगुलेशन थे जिसमें हमें ये बताया गया कि सर्टन रिक्वायर्ड टाइम ड्यूरेशन पर कभी कभी वन टाइम और कभी कभी कंटिन्यूल बेसिस पर इंसाइडर्स और कनेक्टेड पर्सन और अदर डीम टू बी कनेक्टेड पर्सन को कुछ डिस्कलोजर्स देने होते हैं रेगुलेशन सिक्स ने बताया कि जब ये डिस्क्लोजर्स दिए जाते हैं, तो कंपनी को इन डिस्क्लोजर्स को फाइव इयर्स तक के लिए मिनिमम अपने पास प्रिजर्व करके रखना है और कब और किस स्थिति में ये डिक्लेरेशन या डिस्क्लोजर्स दिए जाएंगे तो वो रेगुलेशन सेवन के सब रेगुलेशन वन और टू ने हमें समझाया फिर इन रेगुलेशंस में ऐड हुए कुछ और नए रेगुलेशंस हमने पढ़े थे जहां सेबी के खबरी यानी इनफॉर्मेंट को लेकर के कुछ पॉइंट आए छोटे सिंपल से पॉइंट्स थे रेगुलेशन सेवन ए ने पहले कुछ परिभाषाएं समझा दी कि सेबी का इन्फॉर्मेंट कौन होगा खबरी कौन होगा ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन क्या होगी और इनरेलीवेंट प्रिवलिस इंफॉर्मेशन क्या होगी कौन सी इंफॉर्मेशन के सबमिट करे जाने पर आप रिवॉर्ड के लिए क्लेम कर सकते हैं वो चीज हमने पढ़ी मॉनिटरी सैंक्शंस हमने पढ़े और फिर कैसे इंफॉर्मेशन सबमिट होगी का प्रोसीजर जो कि रेगुलेशन सेवन बी में आया या बोर्ड आगे क्या करेगी जो सेवन सी में आया रिवॉर्ड के लिए कैसे क्लेम करा जाएगा कब वो रिजेक्ट हो सकता है कैसे वो डिटरमाइन होगा ये सब डी ई एफ और जी में हमने पढ़ लिया था

समझ रहे हो बच्चों इतना क्या पढ़ रहे हैं अपन ठीक है चलो आप कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोज़र को लेकर के पॉइंट क्या होता है तो ये आप देख रहे हैं ये आपके सामने मैंने सीधा सीधा स्क्रीन पर दो रंग बिरंगे डब्बे बना के दिया ताकि आपको ध्यान रहे क्या होता है कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोज़र उचित तरीके से सही ढंग से फेयर मैनर में दिया गया डिस्क्लोजर के संबंध में कोई कोड रेगुलेशन एट आपसे कहता है कि हर लिस्टेड कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ऐसा एक कोड बनाना है और अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर उसे पब्लिश करना है जिसमें कि अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का फेयर डिस्क्लोजर कैसे किया जाएगा वो ये बताएंगे ठीक है

क्या तरीका फॉलो या अडॉप्ट करा जा रहा है अपनाया जा रहा है सो so दैट आप अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन यानी यूपीएसआई का सही ढंग से डिस्क्लोजर दे सके और इस डिस्क्लोजर को देने के लिए जो प्रिंसिपल स्केड्यूल ए में दी गई है आप उन्हें फॉलो या कंप्लाई कर सके एधर टू ये एधर जो यहाँ पर लिखा है इसका मतलब होता है कंप्लाई करना मैं लिख दे रही हूँ ताकि आपको मीनिंग ध्यान रहे

उन रेगुलेशन के प्रोविजंस का नॉन कंप्लायंस करे बिना डायल्यूट करे बिना जो यहाँ पर अपन लिख रहे हैं ना तो इस डायल्यूट का मतलब है विदाउट नॉन कंप्लायंस यानी ऐसा ना हो कि आप ये डिस्क्लोज़र देने के चक्कर में दूसरी चीजों का नॉन कंप्लायंस कर दें ये नहीं होना चाहिए विदाउट नॉन कंप्लायंस टू द अदर रेगुलेशन एज अ पार्ट ऑफ दिस रेगुलेशन कैसे ये डिस्क्लोजर होगा ये हमको इस कोड में बताना है और सिर्फ बताना ही नहीं है ये जो कोड ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर हम इसे बोलते हैं कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर भी बोल सकते हो कोड ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर भी बोल सकते हो कोड ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ यूपीएसआई भी बोल सकते हो तीनों अलग अलग तरीके से लिखा हुआ मिल सकता है आपको ये किताबों में या एग्जाम क्वेश्चन पेपर में तीनों का मतलब एक ही होगा ठीक है, so आप जो भी इसे बोल रहे हैं ये जो कोड आपका है ये सिर्फ बनाना ही नहीं है आपको इसमें समय समय पर जो भी अमेंडमेंट हो रहे हैं उनको भी और इस पूरे कोड को आपको हर एक उस स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट करना है जिस स्टॉक एक्सचेंज पर आपकी सिक्योरिटीज लिस्टेड हैं, समझ रहे हैं ठीक है क्लियर हर लिस्टेड कंपनी को बनाना है ऑफिशियल वेबसाइट पे पुट अप करना है यूपीएसआई का फेयर डिस्क्लोजर कैसे होगा ये बताएंगे इसके लिए जो स्केड्यूल ए में सिद्धांत दिए गए हैं उसे फॉलो करना है और इसे और इसमें अगर कभी भी कोई अमेंडमेंट होते हैं तो हर उस अमेंडमेंट को स्टॉक एक्सचेंज को जहां जहां पे सिक्योरिटीज लिस्टेड है इंटीमेट करना है समझ में आया एक है क्या रेगुलेशन एट में तो बस इतना ही है अब देखो आप नीचे देख रहे हो जो हेडिंग आपको दिख रही है वो हेडिंग है अबाउट स्केड्यूल ए जो प्रिंसिपल्स इन रेगुलेशंस में बनाए गए हैं यानी यूपीएसआई के फेयर डिस्क्लोजर के लिए जो कोड आप बनाओगे ना उस कोड में आपको इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है वाइल प्रिपेयरिंग योर ओन कोड ऑफ फेयर डिस्कलोजर यू हैव टू कीप इन माइंड दीज प्रिंसिपल आपको इनका कंप्लायस करना है जो स्केड्यूल ए में दी गई अपना कोड बनाते समय ध्यान रखिए ये वो नीतियां हैं जिनका पालन आपको करना रहेगा और इनका कंप्लायंस करके ही आप ये कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर अपना बनाएंगे तैयार करेंगे ओके okay. अब क्या है ये नीतियां क्या है ये सिद्धांत जस्ट लाइक जैसे आप अकाउंट्स में पढ़ते हो कि भाई बैलेंस शीट को बनाना है तो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है है वर्टिकल है एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट है ना वैसे ही स्केड्यूल ए में हमें कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं जिन प्रिंसिपल्स को हम कंसिडर करेंगे वाइल्ड ड्राफ्टिंग और प्रिपेयरिंग आर ओन कोड ऑफ फेयर डिस्कलोजर क्या क्या है वो प्रिंसिपल्स तो अब आओ एक एक करके इनको देखते जो बड़े आसान और सिंपल सिंपल से पॉइंट है सबसे पहला प्रॉम्प्ट पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ यूपीएसआई दैट वुड इंपैक्ट प्राइस डिस्कवरी आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि हर वो यूपीएसआई जो कि कॉस्ट प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है और प्राइज पे इंपैक्ट डालने वाली है जितनी जल्दी हो सके हो, उसका पब्लिक डिस्क्लोजर हो प्रॉम्प्ट का दूसरा वर्ड होता है बच्चों इमीडिएट तो जितना जल्दी हो सके क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण सूचना है ना तो जितना उसको रोक करके रखेंगे उतना उसके लीक होने के चांस बढ़ते जाएंगे जितना उसको छुपा छुपा करके रखेंगे उतना उसके लीक होने के चांस बढ़ जाएंगे जैसे कि कहते हैं ना कि जब आपसे कहा जाए कि ये बात किसी को मत बताना तो आपको बताने की उत्सुकता और बढ़ जाती पेट दुखने लग जाता है ऐसा बोलते ना कि यार पेट यार पेट दुख रहा है ना बताने की उत्सुकता पड़ जाती है अंदर से और नॉर्मल कैजुअल कोर्स में कोई बात बता दे तो कई बार सुन के भी अनसुना कर देते तो वैसे ये जो यूपीएसआई है ना क्योंकि तो ये प्राइस रिलेटेड है और अभी अभी, अभी अनपब्लिश्ड है ये तो जितना जल्दी हो सके उसका पब्लिक डिस्क्लोजर कर दिया जाए आपको अपने कोड में ये ध्यान रखना है कि आप कोड में ये पॉइंट्स डालिए चीज ऐड करिए ध्यान रखिए कि आपकी कंपनी में जब जैसे जो यूपीएसआई जनरेट होगी मेक श्योर कि इस यूपीएसआई का जितनी जल्दी हो सके पब्लिक डिस्क्लोजर हो जाए ठीक है और सिर्फ पब्लिक डिस्क्लोजर ही नहीं हो जाए बच्चों एक चीज और ध्यान रखना है कि इसका यूनिफॉर्म और यूनिवर्सल डिस्क्लोजर या डेसिमिनेशन होना चाहिए यहां पर डेसिमिनेशन का दूसरा वर्ड डिस्क्लोजर है तो आपको क्या करना है सिर्फ आपको इमीडिएटली ही डिस्क्लोज नहीं करना है आपको यूनिफॉर्म और यूनिवर्सल मैनर में उसे डिस्क्लोज करना है सो एज टू अवॉइड सिलेक्टिव डिस्क्लोजर किसी को बताएंगे और किसी को नहीं बताएंगे ये तो गलत है ना वो सबको पता होना चाहिए है ना वो चीज सबको पता होना चाहिए यूनिवर्सली नोन होना चाहिए और सबको एक जैसी पता होना चाहिए ऐसा नहीं है कि किसी को कुछ और पता है और किसी को कुछ और पता है राम को हमने कुछ और बताया है और शाम को हमने कुछ और बताया है जो राम को पता है वही शाम को भी पता है जो शाम को पता है वही राम को भी पता है ऐसा होना चाहिए यूनिफॉर्म और यूनिवर्सल जैसे स्कूल का यूनिफॉर्म होता था ना सब बच्चों का तो सब बच्चों का स्कूल का यूनिफॉर्म एक जैसा ही होता था ना अलग अलग रंग बिरंगा थोड़ी होता था कि कोई नीला पहन रहा है कोई काला पहन रहा है कोई पीला पहन रहा है हाँ जब स्पेसिफिकली कहते थे कि आज कलर ड्रेस में आना है तो कलर ड्रेस में जाते थे फॉर ऑलमोस्ट फाइव डेज इन दीक क्योंकि एक दिन वो पीटी यूनिफॉर्म भी होता था जब हाउस के कलर का पहनते थे अपन टी शर्ट है ना या कुर्ता so हम सब एक जैसा यूनिफॉर्म पहनते थे छठे दिन पर कुछ लोग एक जैसा पहनते थे कुछ लोग कुछ दूसरे अलग रंग का पहनते थे बट स्टिल वो यूनिफॉर्म होता था वैसे यूपीएसआई जो है ना इसका यूनिफॉर्म डिस्कलोजर और यूनिवर्स सबको एक ही जैसा बताना है सबको एक ही समय पे बताना है ऐसा नहीं किसी को अलग और किसी को अलग बता रहे जिससे कि सिलेक्टिव डिस्क्लोज़र ना हो किसी को ज्यादा पता होगा और किसी को कम पता होगा तो गड़बड़ हो जाएगी भाई मानो मम्मी ने गाजर का हलवा बनाया घर में अब गाजर का हलवा ऐसी चीज जिसे सुन के कईयों के मुंह में पानी आ जाए आपका बड़ा फेवरेट था गाजर का हलवा और मम्मी ने क्या करा मम्मी ने दो कटोरी में गाजर का हलवा निकाला एक कटोरी पूरी ऊपर तक भर दी और एक कटोरी में सिर्फ दो छोटा चम्मच डाला और वो जो ऊपर तक भरी हुई कटोरी थी वो आपके छोटे भाई को ला करके दे दी और वो जो दो चम्मच वाली कटोरी थी वो आपको ला के दे दी गुस्सा हो जाएंगे ना मेरे को इतना सा क्यों दिया है ना मेरे को इतना सा क्यों दिया मेरे को और क्यों नहीं दिया मेरे को तो पसंद है ना गाजर का हलवा बोलने लग जाएंगे ना तो सबको मिलना चाहिए ना बराबरी से जब मम्मी ने बनाया तो तो यूपीएसआई गाजर का हुआ मतलब इस एग्जाम्पल में सबको मिलना चाहिए बराबरी से मिलना चाहिए एक जैसा मिलना चाहिए समझ गए क्लियर चलिए तीसरे पॉइंट पर आइए तीसरा पॉइंट आपसे क्या कहता है प्रॉपर डेसिमिनेशन ऑफ एनी यूपीएसआई इफ इट गेट्स डिस्क्लोस्ड सिलेक्टिवली इन एडवर्टेंटली और अदरवाइज टू मेक दैट इंफॉर्मेशन जनरली अवेलेबल एक पॉइंट हमने बोला था कि जितना जल्दी हो सके उसका डिस्क्लोज़र डिस्क्लोज़र करिए पब्लिक दूसरा पॉइंट हमने बोला था कि इसका यूनिवर्सल और यूनिफॉर्म डिस्क्लोज़र करिए ताकि सिलेक्टिव डिस्क्लोजर अवॉइड हो सके बट यदि कोई यूपीएसआई प्रॉम्प्टली डेस्टिमिनेट करने के चक्कर में डेस्टिमिनेट तो हो गई थी पर वो सिर्फ सिलेक्टिव लोगों तक ही पहुंची थी गलती से जानबूझकर के नहीं या सिलेक्टिवली इन एडवर्टेंटली या किसी दूसरे कारणवश वो डिस्क्लोज़ तो हुई थी बट सब तक नहीं पहुंच पाई थी तो फिर अब ये प्रयास करिए कि उसे प्रॉपर मैनर में एज सुन एज पॉसिबल अगेन या प्रॉम्प्ट का वही मतलब है इमीडिएटली या फिर आप बोल सकते हैं एज सुन एज पॉसिबल तो वो यूपीएसआई है जो कि सिलेक्टिवली डिस्क्लोज हो गई ना वो यूपीएसआई है जो कि गलती से इन एडवर्टेंटली कुछ चुनिंदा लोगों तक चली गई अब जितना जल्दी हो सके उसे सब तक पहुंचा दिए अब जितना जल्दी हो सके उसे सब तक पहुंचा दीजिए ये चीज आपको ध्यान रखना है हुआ बच्चों इतना ठीक है चौथा पॉइंट देखो चौथा पॉइंट आपसे क्या कह रहा है चौथा पॉइंट आपसे कह रहा है कंपनी की बोर्ड में एक ऐसे ऑफिसर को अपॉइंट करा जाएगा जिसे चीफ इन्वेस्टर रिलेशन ऑफिसर का नाम दिया जाएगा और ये वो चीफ इन्वेस्टर रिलेशन ऑफिसर होगा हु इज गोइंग टू डील विदोजर्स एंड डेसेमिनेशन ऑफ यूपीएसआई कब देना है किसे बताना है कहाँ बताना है कैसे बताना है ऑल दैट टू वेन वाई हाउ वॉट वाली चीजें इन टर्म्स ऑफ यूपीएसआई आपका ये चीफ इन्वेस्टर रिलेशन ऑफिसर संभालेगा समझ में आया है ठीक है अगला पॉइंट देखिए अगला पॉइंट आपसे कह रहा है ऑल द यूपीएसआई शुड बी हैंडल्ड ऑन अ नीड टू नो बेसिसनली काम का है आपके जानने के लिए तो आपको बताया जाएगा अन्यथा नहीं बताया जाएगा ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये जो यहां पर लिखा हुआ है नीड टू नो बेसिस क्या आपको जानने की जरूरत है इसे अभी और किसे जानने की जरूरत है इसे अभी जिसे जानने की जरूरत है उसे बस बताया जाए और जितना जानने की जरूरत है बस उतना बताया जाए जितना जानने की अभी जरूरत नहीं है वो नहीं बताया जाए और अगर कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है तो कुछ भी नहीं बताया जाए मैं क्या बताना चाह रही हूं समझ रहे हैं ना ठीक है नीड टू नो बेसिस जितना जब जानना जरूरी है बस उतना और तब बताया जाए हर यूपी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे नीड टू नो बेसिस पर हैंडल होगी जिसे उस बारे में पता रखना है और जितना पता रखना है बस उतना ही बताया जाएगा ठीक है छटा पॉइंट आपसे कह रहा है कि ये इंश्योर कर लिए कि जो इंफॉर्मेशन शेयर करी जा रही है विद एनालिसिस एंड रिसर्च पर्सोनल मोस्ट ऑफ द टाइम ऑर्गेनाइजेशन में रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट या फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लोग हो सकते हैं बच्चों जो कि बिजनेस की मार्केटिंग उसका ग्रोथ डेवलपमेंट उसके रिसर्च और डेवलपमेंट जैसी एक्टिविटीज से जुड़े हो सकते हैं अब ये लोग तो कॉम्पिटिटर्स कस्टमर्स सबसे टच में आते हैं बिकॉज दे आर एंगेज इन अ टास्क दैट इज रिलेटेड टू मार्केट डेवलपमेंट इनके पास तो यूपीएसए जाना ही नहीं चाहिए और आपको ये डबली इंश्योर करना है कि जो इंफॉर्मेशन इनसे शेयर करी जा रही है वो अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ना हो क्योंकि बाद बात में यदि वो बात निकल गई जिस बात को बताना अभी ज़रूरी नहीं था तो सारी बात बिगड़ जाएगी फिर से दोहरा रही हूं बात बात में यदि वो बात निकल गई जिसे अभी बताना जरूरी नहीं था तो सारी बात बिगड़ जाएगी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट या एनालिसिस एंड रिसर्च या मार्केटिंग टीम के जो इंप्लॉय होते हैं इन्हें ऐसी बात बात में बात करना बहुत सारी बात करना जरूरी होता है क्योंकि ये मार्केटिंग और रिसर्च डिपार्टमेंट से जुड़े so you have to make sure as a part of your code of fair disclosure that whatever information is being shared with them is not upsi got that chaliye अगला point देखिए और अगला point आपसे कह रहा है appropriate और fair responses आपको generate करना है provide करना है in terms of queries जो news reports में जनरेट हुई है या रिक्वेस्ट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ एनी मार्केट रूमर्स बाय रेगुलेटरी अथॉरिटीज यदि आपके कंपनी के संबंध में किसी भी तरह के कोई भी न्यूज रिपोर्ट्स हैं जिसमें कोई क्वेरीज मांगी जा रही है या फिर कोई मार्केट रूमर्स हैं, तो इन्हें एज सुन एज पॉसिबल जितना जल्दी हो सके सेटिस्फाई करने के लिए आपको अप्रोप्रिएट और फेयर रिस्पॉन्स जनरेट करने हैं अप्रोप्रिएट मतलब उचित फेयर मतलब सही ठीक है रिस्पॉन्स मतलब जवाब ठीक है लास्ट पॉइंट पर आइए और स्केड्यूल ए का लास्ट पॉइंट कहता है डेवलपिंग बेस्ट प्रैक्टिस टू मेक ट्रांसक्रिप्ट और रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ मीटिंग्स विदालिस्ट एंड अदर इन्वेस्टर रिलेशन कॉन्फ्रेंसिस ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी जो भी आपकी मीटिंग्स होती हैं एनालिस्ट और इन्वेस्टर्स रिलेशंस की इन सब के आपको रिकॉर्ड्स या ट्रांसक्रिप्ट्स ट्रांसक्रिप्ट्स मतलब रिकॉर्ड्स ही होते हैं पूरा मीटिंग का रिकॉर्डिंग जैसे आप जो सुन रहे हो ये रिकॉर्डिंग है ना तो ऐसे ट्रांसक्रिप्ट या रिकॉर्ड्स आपको मीटिंग का तैयार करना है स्पेशली जब वो इन्वेस्टर्स से संबंधित है इन्वेस्टर रिलेशन उनकी क्वेरी से संबंधित है तो इन सब को आपको तैयार करना है और आप इन्हें अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रोवाइड करेंगे जहां जैसा रिक्वायर्ड है जिस रेगुलेशन में उसके हिसाब से समझ गए इतना क्लियर हो गया क्या रेगुलेशन नंबर एट सभी लोगों को चलिए तो फिर आप कहानी को आगे बढ़ाते हैं अंत की और नजदीक है इस चैप्टर की कहानी और आखिरी रेगुलेशन मेजर रेगुलेशन जो हमारे सामने आ रहा है वो है रेगुलेशन नंबर नाइन एंड रेगुलेशन नंबर नाइन इज अबाउट अनदर कोड एंड दिस टाइम इट्स द कोड ऑफ कॉन्डक्ट पहले आपने यूपीएसआई के फेयर डिस्क्लोजर का कोड पढ़ा जो रेगुलेशन एट था अब आप कोड ऑफ कॉन्डक्ट पढ़ रहे हैं जो रेगुलेशन नाइन है बहुत बार सुना है ना आपने ये वर्ड बच्चों कोड ऑफ कंडक्ट क्या बेसिकली मतलब होता है कोड ऑफ कंडक्ट का कंडक्ट बेसिकली रेफर्स टू योर बिहेवियर अच्छा ये रुको जरा एक मिनट बताती हूँ हाँ कंडक्ट बेसिकली रेफर्स टू योर बिहेवियर आपका रिस्पॉन्स आपका बिहेवियर और उसे रेगुलेट करने के लिए बनाया गया कोड सो वी कॉल द कोड ऑफ कंडक्ट एस आचार संहिता हिंदी में कहते आचार आचार व्यवहार जो अपन बोलते हैं वही बिहेवियर बोल रहे हैं ना आचार या व्यवहार आचार नहीं आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट ठीक है तो अब हर लिस्टेड कंपनी को एक कोड ऑफ कंडक्ट भी बनाना और वो रेगुलेशन नंबर नाइन में दिया गया अब क्या होता है ये कोड ऑफ कंडक्ट इसके संबंध में देखो क्या कह रही हूं मैं आपसे पहले तो यही बताया कि हर लिस्टेड कंपनी की बोर्ड को और उसके साथ साथ नॉट जस्ट बोर्ड ऑफ लिस्टेड कंपनी बर मार्केट इंटरमीडियरी और हर वो पर्सन जिसे यूपीएसआई हैंडल करना पड़ता है इन द डे टू डे कोर्स ऑफ इट्स बिजनेस उसे एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाना है यानी कोड ऑफ फेयर फेडक्लोजर सिर्फ लिस्टेड कंपनी को बनाना था और जो कोड ऑफ फेयर डिस्कलोजर के अलावा रेगुलेशन नाइन में कोड ऑफ कॉन्डक्ट है ना वो लिस्टेड कंपनी को भी बनाना है मार्केट को भी बनाना है और हर उस पर्सन को बनाना है जो अपने डे टू डे बिजनेस के दौरान यूपीएसआई हैंडल करता है और ये एक ऐसा कोड होगा दैट विल मॉनिटर रेगुलेट एंड रिपोर्ट ट्रेडिंग इट्स इंप्लाइज एंड अदर कनेक्टेड पर्सन So as to comply with the regulations एंड adopt those मिनिमम standards जो स्ड्यूल बी में दिए ट्रेडिंग को रेगुलेट करने के लिए आपके एम्प्लॉय आपके डायरेक्टर्स इनके व्यवहार को रेगुलेट करने के लिए आप एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाएंगे और इसके लिए भी रेगुलेशन में एक फॉर्मेट दिया है मिनिमम स्टैंडर्ड्स दिए हैं और वो है स्केड्यूल बी में तो आप इनको भी फॉलो करेंगे और इनके अनुसार अपना ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाएंगे अपनी वेबसाइट पे पुट अप करेंगे समझ गए हैं आगे देखिए और क्या कहा गया है यहाँ पर इससे पहले कि हम उन पॉइंट्स पर आए उन्हें पढ़ने के लिए आई हैव टोल्ड यू कि आपको इन चीजों को ये जो आपने बनाया है ना अपना कोड ऑफ कॉन्डक्ट

जो ये बनाएगा भी और इसके कंप्लायंस और इन रेगुलेशन के कम्प्लायसेस में आपकी हेल्प करेगा समझ रहे हैं क्लियर हो रहा है यदि इधर उधर दिमाग भटक रहा है और ध्यान भटक रहा है तो दोबारा इकट्ठा कर लीजिए कर लीजिए ठीक है चलिए आगे बढ़िए अब आते हैं और देखते हैं कि स्केड्यूल बी में हमें इस कोड ऑफ कॉन्डक्ट के लिए क्या क्या मिनिमम स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं जो कि आपको कंप्लाई करना है लेट्स सी आठ से दस पॉइंट है सबसे पहली चीज कंप्लायंस ऑफिसर जो रहेगा ये कंप्लायंस ऑफिसर रिपोर्ट करता है टू द बोर्ड एंड पर्टिकुलरली टू द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड और ऑडिट कमिटी अगर है तो अब कंपनी एक्ट में आता है ऑडिट कमिटी और जो अभी तक आप ऑडिट कमेटी पढ़ लिए तो आप जानते हैं सेक्शन 177 में आता है जो नहीं पढ़े हैं तो लेट मी टेल यू सेक्शन 177 में आता है लॉ के लेक्चर में आप डिटेल में पढ़ते हैं यदि कंपनी में ऑडिट कमेटी है तो फिर उसके चेयरमैन को यह जो रिपोर्ट है फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पर बना करके कंप्लायंस ऑफिसर को देना है अब वो रिपोर्ट बना के दे सकता है या सिर्फ वर्बली भी बता सकता है अबाउट द कंप्लायंस ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट कि हमने जो भी स्टैंडर्ड अडॉप्ट करे थे उसके अनुसार हमने कोड बनाया है बेसिस आप ये चीज की सूचना चेयरमैन को स्पेसिफिकली कंपनी में बोर्ड के चेयरमैन को और अगर ऑडिट कमिटी है तो उसके चेयरमैन को दोगे ठीक है

only for the furtherance of legitimate business purpose performance of duties or discharge of legal obligations jo aapke regulation number 3 mein aata hai dhyan aata hai padha tha na wahan pe so regulation जो code of conduct पे बनाया गया है ये regulation नाइन तो हमसे कहता है सारी की सारी information को आपको ऐसे ही handle करना है जिसको जो बताना है बस उतना बताइए ना हर एक को बात बात बता देंगे तो वो बात बिगड़ जाएगी जिसको जितना बताना जरूरी है, जब बताना जरूरी जरूरी है है जब बस बताइए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैज इज प्लानिंग सो हैंडल ऑल द इंफॉर्मेशन इन योर ऑर्गेनाइजेशन नीड टू नो बेसिस और यूपीएसआई का कम्युनिकेशन भले इन को भी हो रहा हो हमेशा ध्यान रखिए कि वो सिर्फ इन तीन उद्देश्यों से होना चाहिए या तो किसी लेजिटिमेट बिजनेस पर्पस के लिए या परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज के लिए या फिर डिस्चार्ज ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन के लिए ठीक है चलिए फिर आगे बढ़िए तीसरा पॉइंट जो आपके सामने आ रहा है वो तीसरा पॉइंट आपसे क्या कह रहा है तो वो आपसे ये कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में सर्टन इंप्लॉयज और उनके कनेक्टेड पर्सन को हम एज डेजिग्नेटेड पर्सन डिक्लेयर करते हैं ये डेजिग्नेटेड पर्सन उनके फंक्शनल रोल के आधार पर होते हैं ये और कितना उन तक यूपीएसआई पहुंच पाती है भाई बोर्ड के पास यूपीएसआई होने के चांस ज्यादा होते हैं राइट फिर अगर आप बात करें फोरमैन सुपरवाइजर लेवल के एम्प्लॉयज की तो इनके पास तक यूपीएसआई थोड़ी तब फ्रिक्वेंटली जाता है जाता भी नहीं इनफैक्ट तो बेस्ड ऑन योर फंक्शनल रोल और पोजिशन इन ऑर्गेनाइजेशन कोड ऑफ कंडक्ट ये कहता है कि सर्टन इंप्लॉइज को आप की कैटेगरी में डालो और ये ये ध्यान रखो कि ये जो हैं इनके ऊपर स्पेसिफिकली ये इंटरनल कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा इनको सबसे ज्यादा रडारे रखना है इन पर सबसे ज्यादा नजर रखना है जैसे हमारे भारत देश की सीमा तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ सब जगह है नजर हम सब जगह रखते, हर हर, हर रखते हैं पर सबसे ज्यादा नजर हमें हमारी पूर्वी सीमा पर और पूर्वी यानी ईस्ट पर ईस्टर्न साइड पर और वेस्टर्न साइड पर यानी पश्चिमी सीमा पर रखनी पड़ती है क्योंकि एक तरफ बैठा है चीन और दूसरी तरफ बैठा है पाकिस्तान और भारत के कितने आत्मीय संबंध अपने इन दोनों पड़ोसियों के साथ है ये भारत में बैठा एक एक बच्चा जानता है पाकिस्तान में और चाइना में बैठा हुआ भी जानता है कि कौन घुसपैठ करता है और कौन सिर्फ उसे रोकने का प्रयास करता है कौन आतंकवाद फैलाता है और कौन उसके खिलाफ खड़ा होता है कौन से गीदड़ भपकियां देता है और कौन घर में घुस के मार के आता है ये हम सब जानते हैं पर बात कर सकती है कि सीमाएं भले ही चारों तरफ से हो ज्यादा ध्यान हमें उधर देना पड़ता है ना वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इंपॉर्टेंट हो सकती है पर कुछ ऐसे स्पेसिफिक एम्प्लॉयज होते हैं जिन पर हमें सबसे ज्यादा नजर रखना है ये कोई भी इंफॉर्मेशन को हैंडल कर रहे हैं ये डेजिग्नेटेड पर्सन पर इंटरनल कोड ऑफ कंडक्ट स्पेसिफिकली कंप्लाई होना चाहिए क्योंकि इनके पास यूपीएसआई का एक्सेस सबसे ज्यादा रहता है सबसे आसानी से इनको यूपीएसआई मिल सकती है सो तो हमको इनके ऊपर दूरबीन से नजर रखना पड़ेगी ताकि कोई भी हरकत चूक ना जाए समझ रहे हैं ना ठीक है जग रहे हैं ना सोए तो नहीं है ना वीडियो ऑन करके जग रहे हैं ना ठक ठक नॉक नॉक जग रहे हैं आप मैं ये मान रही हूँ ठीक है इसलिए आगे बढ़ रही हूँ आइये चौथे पॉइंट पर और चौथा पॉइंट आपसे क्या कह रहा है डेजिग्नेटेड पर्सन के बारे में ये सुनिए डेजिग्नेटेड पर्सन अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं सब्जेक्ट टू द दीज रेगुलेशन भाई डेजिग्नेटेड पर्सन में अभी अभी ने पढ़ाना की इन आ सकते हैं अब इनसाइडर्स पे ट्रेडिंग का रिस्ट्रिक्शन हंड्रेड परसेंट थोड़ी है ना अपन ने परमिशन रिस्ट्रिक्शन वाला रेगुलेशन रेगुलेशन थ्री की 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 जल्दी बोलिए मैं तो बोलने वाली हूँ रिस्ट्रिक्शन पड़ी और कर सकते हो और उसके लिए प्लान बढ़ाना ये रेगुलेशन फाइव में पड़ा है और उसी रेगुलेशन फाइव में एक नो ट्रेडिंग पीरियड पड़ा है मैं बताने वाली हूँ आपको बट एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप जल्दी से रिवाइज कर लें अपने दिमाग में रिकॉल कर लें कि वो नो ट्रेडिंग पीरियड क्या था फाइनेंशियल ईयर या पीरियड क्लोज होने से 20 दिन पहले शुरू होता है और फाइनेंशियल ईयर के रिजल्ट डिस्क्लोज होने के दो ट्रेडिंग डेज बाद जाके बंद होता है इस टाइम पे कोई ट्रेडिंग नहीं कर सकते इनसाइडर तो ये जो पॉइंट है वो यही कह रहा है कि ये सब जो डेजिग्नेटेड किसन है ना दे दे विल मेक श्योर दैट एग्जीक्यूट द ट्रेड ओनली वेन इज ओपन और इसके संबंध में कंप्लायंस ऑफिसर जो है वो उन्हें समय समय पे सूचना देता रहेगा कब ट्रेडिंग विंडो का क्लोजर होना है कब ट्रेडिंग विंडो ओपन है वो सब चीजें कंप्लायंस ऑफिसर बता देगा अपना प्लान भी तो उसी को ही देते हैं ना सबमिट करते हैं फिर वो पब्लिक डिस्क्लोजर के लिए देता है। ठीक है बच्चों चलो, अब आओ पांचवे पॉइंट पर देखो तो पॉइंट क्या कहना चाह कह रहा है कंपनी यार ये सब तो यू भी कनेक्टेड पर्सन की परिभाषा में आते हैं ना हमने जब कनेक्टेड पर्सन की सबसे पहली परिभाषा पढ़ी थी तो उसमें हर वो पर्सन जो की कॉन्ट्रेक्चुअल या एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप से कंपनी से जुड़ा है वो सब आते हैं और देखो यहां पर उसके कुछ एग्जाम्पल भी हमें दिए गए जैसे ऑडिटर्स हैं लॉ फॉर्म हैं एनलिस्ट हैं कंसल्टेंट्स हैं प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज हैं कॉस्ट ऑडिटर्स हैं ये सब कॉन्ट्रेक्चुअल या फिड्यूशरी रिलेशनशिप में तो बंधे होते हैं आपसे तो ये सब भी कनेक्टेड पर्सन है और इनके ऊपर भी ये रेगुलेशन लगेंगे इनफैक्ट ये जो ट्रेडिंग विंडो के रिस्ट्रिक्शन है उन पर भी लगेंगे तो ये भी आपको ध्यान रखना है एक फिर देखिए आगे आपसे क्या कहा गया है पॉइंट नंबर सिक्स आपसे क्या कह रहा है बच्चों तो पॉइंट नंबर सिक्स आपसे कह रहा है कि कोड ऑफ कंडक्ट में चाइनीज वॉल का प्रोविजन होना चाहिए The code of conduct shall contain adequate norms for Chinese wall policy procedure for permitting any designated person so as to not cross the wall. But then, ma'am, what does this Chinese wall mean? हम सबने चाइना की वो सबसे लंबी दीवार के बारे में सुना है, सुना है ना सबसे लंबी दीवार, the Chinese wall. डेवलप्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द कंट्री ठीक उसी तरह से कंपनी में भी एक ऐसी चाइना की वॉल खींची जाएगी चाइना की वॉल खींची जाएगी मतलब चाइना से लाई नहीं जाएगी इम्पोर्ट नहीं करी जाएगी इट्स जस्ट दैट की इम्पोर्टेंट प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेश्स को डिस्क्लोज हर किसी को ना कर दिया जाए इसीलिए हम जो इंटरनल और एक्सटर्नल डिपार्टमेंट है ना इनके बीच में ऐसी एक लंबी रेखा खींच देंगे अच्छा चलो छोड़ो चाइनीज बोल हम तो हमारी हिंदी में अगर बात करने जाए तो लक्ष्मण रेखा खींच देंगे और क्या थी और क्या औचित्य था उस लक्ष्मण रेखा का ये हम सब जानते हैं क्यों खींच कर गए थे श्री लक्ष्मण वो रेखा ताकि सीता मैया वहां से बाहर ना निकले और उस रेखा के अंदर सुरक्षित रहे राम भैया बन में शिकार सब्जी भाजी मतलब शिकार करने ने अपने लिए खाने की व्यवस्था करने गए थे बहुत देर तक नहीं आ रहे थे और सीता मैया को लग रहा था कि श्री राम किसी मुसीबत में ना हो इसीलिए श्री लक्ष्मण को भेजा था पर उनके लिए तो सीता मैया की सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण थी और बस इसीलिए उन्होंने खींच दी थी वो लक्ष्मण रेखा ये कह के कि भाभी माँ यहां से बाहर ना निकलियो आप सुरक्षित रहोगी इसके अंदर कोई इस रेखा को पार करके आप तक नहीं पहुंच सकता पर नियति को कुछ और ही मंजूर था क्या मंजूर था और क्या हुआ था और क्यों लिखी गई रामचरितमानस मानस कारण हम सब जान कैसे एक भिक्षु एक भिकारी का रूप धारण करे रावण आया और सीता मैया को हरण करके ले गया ये हम सब जानते हमारी वो लक्ष्मण रेखा के जैसे है ये चाइनीज वॉल सीधी सी बात है और मतलब आपके ठीक सामने है जो आपसे कह रहा है कि जो प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एक कंपनी में होती है इज प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है ना ये हर किसी को बताने की जरूरत नहीं होती हाँ समय समय पर आप इसे स्टॉक एक्सचेंजेस को बताते हैं कंटिन्यूस बेसिस पर बताते हैं ताकि इसका मिस यूज ना हो प्रॉम डिटेसिमिनेशन जितना जल्दी हो सके उतना बताते हैं रेगुलेशन एट अच्छा यूनिवर्सली और यूनिफॉर्मली बताते हैं ये सब चीजें आप करते हैं पर ये जो पॉलिसी होती है ना इस पॉलिसी यानी चाइनीज वॉल पॉलिसी का लॉजिक ये है कि जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल एरियाज या डिपार्टमेंट है इनको आप जो रूटीन एक्सेस होता है टू द कॉन्फिडेंशियल और प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इन्हें अपने एक्सटर्नल एरिया से थोड़ा अलग रखें थोड़ा सा अलग रखें एक्सटर्नल एरिया जैसे सेल्स मार्केटिंग रिसर्च इन्वेस्टमेंट एडवाइज एंड अदर पब्लिक डिपार्टमेंट्स आफ्टर सेल्स ये सब डिपार्टमेंट्स इन डिपार्टमेंट्स में ना ये थोड़ी सी दूरी रखिए क्योंकि फिर वही होगा नहीं तो बाद में बात निकल जाएगी और वो बात भी पता लग जाएगी जिस बात को अभी बताने की जरूरत नहीं थी तो ऐसा ना हो इसीलिए मेक श्योर दैट यू डिजाइन सच काइंड ऑफ अ चाइनीज वॉल्ड पॉलिसी पॉलिसी बनाना है हा? ऐसा नहीं है कि फाइनेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट और सेल्स मार्केटिंग डिपार्टमेंट के बीच में दीवार खड़ी कर देंगे कि तुम इधर नहीं आओगे और तुम इधर नहीं आओगे और घर का ये हिस्सा तुम्हारा और घर का ये हिस्सा मेरा ऐसा नहीं होगा जस्ट दैट वी हैव टू फॉलो सच पॉलिसीज एंड नॉर्म्स एंड वी नीड टू एंश्योर दैट द द्लॉय वर्किंग इन दीज इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिपार्टमेंट्स डू नॉट इंटरेक्ट दैट फ्रीक्वेंटली इन्फॉर्मेशन दॉट रिक्वायर्ड टू बी पास ऑन हम सिर्फ पॉलिसी बना सकते अल्टीमेटली एट द एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी एग्जिस्ट करते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में और यदि उसके चलते कोई इंफॉर्मेशन पास ऑन हो जाती है तो हम उसे रोक नहीं सकते हाँ बस फिर उसके बाद सेबी के ये रेगुलेशंस पेनल्टी लगाते तो फिर पेनल्टी भरिए अगर आप सूचना का आदान प्रदान नहीं रोक पाए तो आप पेनल्टी का भुगतान करिए समझ गए हैं ठीक है तो चलिए आगे देखिए आगे के पॉइंट पर आइए आपके रेगुलेशन नाइन के कुछ और पॉइंट अभी बचे हुए हैं क्या कह रहे हैं भैया ये पॉइंट तो ट्रेडिंग विंडो के क्लोज होने के संबंध में एक पॉइंट यहां पर आया है हम जानते हैं ट्रेडिंग विंडो का क्लोजर कब होता है ठीक है वही पॉइंट हमें यहां कह रहा है कि द ट्रेडिंग विंडो शैल बी क्लोज वेन कंप्लाइंस कैन रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू हैव पजेशन ऑफ यूपीएस यानी कंप्लायंस ऑफिसर स्पेसिफिकली इंटीमेट कर सकता है कि अभी कुछ समय ट्रेडिंग विंडो रोक दो ट्रेडिंग विंडो क्लोज कर दो क्योंकि किसी इनसाइडर या डेजिग्नेटेड पर्सन के पास यूपीएसआई हो सकती है और यदि अभी ये ओपन रही तो हो सकता है वो इसका गलत फायदा उठा ले ठीक है सो दिस डिस्क्लोजर शाल बी एम्पोज इन रिलेशन टू सिक्योरिटीज इन विच अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड तो एडिशनली भी कभी अपार्ट फ्रॉम दैट प्रीडिंग पीरियड बीस दिन पहले दो ट्रेडिंग डेज बाद तक वाला अलावा भी कंप्लायंस ऑफिसर जब ठीक लगे उस समय में ट्रेडिंग विंडो क्लोज करा सकता है ठीक है चलो फिर आगे क्या कह रहे हैं हमसे भैया आगे बढ़ चले तो आगे बढ़ चले तो ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्शन पीरियड का एक पॉइंट आ रहा है ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्शन पीरियड शाल बी मेड अप्लीकेबल एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर टिल 48 एट आवर्स आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट दिस इज एडिशनल और जो ट्रेडिंग विंडो क्लोज होता है ट्रेडिंग प्लांस में जो पड़ा है फिनेशियल या 20 दिन पहले से लेकर के तो दो ट्रेडिंग डेज बाद तक आफ्टर डिस्क्लोजर उसके अलावा है ये हर क्वार्टर के एंड पर जब तक उस क्वार्टर के रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होते यानी जिस डेट पर वो डिक्लेयर हो रहे हैं वहां से अगले 48 घंटे फ्रॉम द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर टिल 48 एट आवर्स आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट एंड ऑफ क्वार्टर से शुरू होगा और जाएगा कहां तक फोर्टी एट आवर्स आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ दैट क्वार्टर ठीक है द द गैप बिटवीन क्लियरेंस ऑफ अकाउंट्स बाय ऑडिट कमिटी एंड बोर्ड मीटिंग शुड बी एज नैरो एज पॉसिबल एंड प्रेफरेबली ऑन द सेम डे टू अवॉइड लीकेज ऑफ एनी मटेरियल इंफॉर्मेशन और होता भी है ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में इधर ऑडिट कमेटी की मीटिंग खत्म हुई और पांच मिनट दस मिनट के गैप में बोर्ड मीटिंग हो जाती है ताकि इंफॉर्मेशन लीक ना हो कभी कभी तो पांच मिनट भी नहीं होता इधर खत्म हुआ और उसी टेबल पर हम वापस से स्टार्ट कर देते हैं जो और मेंबर्स है बोर्ड मेंबर्स वो सब आ जाते हैं और बोर्ड मीटिंग स्टार्ट हो जाती है सो क्वार्टर एंड से शुरू होकर के उस क्वार्टर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के डिक्लेरेशन के अगले 48 घंटे तक भी ट्रेडिंग विंडो बंद होगा मुझे पता है आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि मैडम आधे से ज्यादा समय तो ट्रेडिंग विंडो बंद है तो ट्रेडिंग करेंगे कब तो बस वही बात है ना वही तो बात है कि ट्रेडिंग इसी तरह से होगी अगर मार्केट पे करना है तो ऑफ हाँ, मार्केट हो सकते हैं ठीक है बच्चों, ठीक है चलो आओ आगे पॉइंट पॉइंट नंबर नंबर जो है वो ऊपर दिए गए ट्रेडिंग विंडो के एक्सेप्शन के तौर पर है और बताता है कि जो रिस्ट्रिक्शन ऊपर दिए गए हैं वो नीचे दी गई फॉलोइंग सिचुएशंस में अप्लीकेबल नहीं ऊपर जो लिखा है क्वार्टर एंड से लेकर के डिस्कलोजर ऑफ स्टेटमेंट्स के 48 घंटा तक वाला जो रिस्ट्रिक्शन है ना वो इन सिचुएशन में अप्लीकेबल नहीं होगा समझ रहे हो ना ठीक है कब अप्लीकेबल नहीं होगा बताइए जरा अब हमको समझाइए मैडम तो देखिए पहला पॉइंट आपके सामने जो ए है वो क्या कहता है सर्डन ट्रांसैक्शन स्पेसिफाइड इन रेगुलेशन फॉर And in respect of pledge of shares for bona fide purpose such as raising of funds or subject to any plea clearance by the compliance officer। यानी ki regulation 4 mein jahan permissions हैं, उन permissions को ध्यान में रखते हुए, या even जब restriction लगा होता है ना trading window में, तब pledge तब भी create हो सकता है। ट्रेडिंग भले ही हम ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं बट प्लेज जो होता है ना प्लेज तब भी क्रिएट हो सकता है तब भी क्रिएट हो सकता है प्लेज तो वो आप कर सकते हो उस समय ट्रेडिंग विंडो का रिस्ट्रिक्शन काम नहीं आएगा फिर प्लेज आप क्रिएट कर सकते हो रेगुलेशन फोर में जो भी परमिशन है उस हिसाब से आप ये सारे काम कर सकते हो यदि आप एक बोनोफाइड परपज से कर रहे हैं तो समझ रहे हैं ठीक है दूसरा पॉइंट आपसे क्या कह रहा है ऐसे ट्रांजेक्शन जो किए जा रहे हैं इन अकॉर्डेंस विद रिस्पेक्टिव रेगुलेशन दैट आर मेड बाय सेबी फॉर बाय कन्वर्जन ऑफ वॉरेंट्स और डिबेंचर्स और इवन सब्सक्राइबिंग टू द राइट इशू फर्दर पब्लिक इशू प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट और टेंडरिंग ऑफ शेयर इन बाय ओपन ऑफर डीलिस्टिंग ये सब काम हो सकते हैं ट्रेडिंग विंडो क्लोज है बावजूद उसके प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट सब्सक्राइब कर सकते हो राइट इश्यू सब्सक्राइब कर सकते हो बोनस इश्यू सब्सक्राइब कर सकते हो ये सारी चीजें कन्वर्जन ऑफ वारंट्स हो सकता है लिस्टिंग डीलिस्टिंग बायबैक ये सारी चीजें इस ट्रेडिंग विंडो के क्लोज होते समय भी हो सकते है। ठीक है क्लियर हो गए दोनों एक्सेप्शन चलो अब बचे हुए छोटे छोटे से कुछ और पॉइंट आ रहे हैं और ये जो बचे हुए छोटे से पॉइंट है उसमें पॉइंट नंबर टेन आपसे कहता है कोड ऑफ कंडक्ट प्रोवाइड फॉर फॉर्मेट्स जिसमें की अलग अलग तरह की एप्लीकेशन रिपोर्टिंग रिकॉर्डिंग ये सब करी जाएगी कोड ऑफ कंडक्ट में हम अलग अलग फॉर्मेट बताते हैं कोई एप्लीकेशन देना है कोई रिपोर्टिंग देना है बोर्ड को या ऑडिट कमेटी को या एक्सचेंज को रिकॉर्ड सबमिट करने हैं तो वो सारी चीजें किस फॉर्मेट में होगी ना वो कंपनी खुद स्पेसिफिकली बना सकती है अपने कोड ऑफ कंडक्ट में एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट यदि इनका वॉयलेशन हो रहा है बाय द फ्रेमर्स इन ऑर्गेनाइजेशन यदि इनका वॉयलेशन हो रहा है तो जिन भी लोगों ने ये देखा है ऑब्जर्व करा है कि इनका वॉयलेक्शन हो रहा है वो सभी को प्रॉम्प्टली इंटीमेट करेंगे When you इनफॉर्मेंट हो सकते हैं ना वो रेगुलेशन सेवन ए बी सी डी ई एफ जी वाले और इन्फॉर्मेंट बन के सूचना दे सकते हैं रिवॉर्ड भी मिलता है बट सेबी के सोल डिस्क्रिप्शन पे क्लियर हो गया था समझ गए ना अच्छे से ये वाला पॉइंट आप सब बच्चे क्योंकि मेजर रेगुलेशन यहाँ बच्चे खत्म हो गया है सामने स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो सिर्फ एक लास्ट रेगुलेशन नाइन ए है जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर प्रिवेंशन ऑफ इंसाइडर ट्रेडिंग पर आधारित है और आपसे ये कहता है कि इंटरनल लेवल पर अपार्ट फ्रॉम ऑल दीस थिंग्स वट आर प्रोवाइडेड इन द रेगुलेशन इंटरनल लेवल पर भी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को या ऐसे इंटरमीजरीज़ या पर्संस जिन्हें की यूपीएसआई से हैंडल करना पड़ता है डील करना पड़ता है वो ऐसे एडिक्वेट इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स बनाएं और ये इंश्योर करें कि उनका कंप्लायंस हो और यूपीएसआई लीक ना हो ये सब तो मैंडेटरी है जो आपको करना है बट इसके अलावा भी ये इंश्योर करिए कि चीजें लीक ना हो यूपीएसआई का मिस यूज ना हो इसलिए इंटरनल चेक्स भी बनाइए इंटरनल चेक्स भी रखिए समझ गए दिस इज़ ऑल अबाउट द रेगुलेशन अब सिर्फ कुछ छोटी सी चीजें बची हैं जैसे कि पेनल्टी और बिना पेनल्टी के तो बात आगे कैसे बढ़ेगी भाई जो गलती करोगे तो पेनल्टी तो भरना पड़ेगी ना और सेक्शन 15 जी ऑफ सेबी एक्ट में दी गई है हमें ये पेनल्टी यू रिमेंबर चैप्टर नंबर वन जब हम पढ़ रहे थे ना सेबी पर आधारित वहां मैं बताई दी आपको कि अलग 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 अलग, अलग, अलग चैप्टर से संबंधित जो पेनल्टीज हैं वो वही चैप्टर्स में आ जाएगी किताब यानी स्टडी मटेरियल में आप देखेंगे तो आपको काफी सारी पेनल्टीज दिखेगी वहाँ एक एक एक, एक चैप्टर में वो सब कवर हो रही है जैसे फॉर एग्जाम्पल इन ट्रेडिंग की यहाँ अभी आपके सामने और 15G ऑफ द सेबी एक्ट ये कहता है कि इनसाइडर ट्रेडिंग होने के संबंध में यदि इनसाइडर ट्रेडिंग पाई जाती है तो एनी इनसाइडर साइडर इधर ऑन एज ओन बिहाफ और बिहाफ ऑफ अदर्स यदि सिक्योरिटीज में डील करता है जो कि यूपीएसआई से संबंधित है या उसे कम्युनिकेट करता है यूपीएसआई को रॉन्गफुली अप्रोक्योर करता है तो फिर ऐसी स्थिति में काउंसिल या प्रोक्योर तो फिर ऐसी स्थिति में पेनल्टी लगेगी जो तो भैया पच्चीस करोड़ रुपया हो सकती है और थ्री टाइम्स ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दैट आर अर्न बाय इन साइडर ट्रेडिंग एंड विच एवर इज हायर यानी 25 करोड़ के ज्यादा भी हो सकती है अगर आपने पचास करोड़ कमाए इसका तीन गुना तक विच एवर इज हायर पेनल्टी हो सकती है इनसाइडर ट्रेडिंग पर यानी तगड़ी पड़ेगी ठीक है समझ गए हैं हाँ बस aggrieved पर्सन जो है वो अगर अपने आप को निर्दोष साबित कर देगा तो बच जाएगा और यदि उसे लग रहा है उसके ऊपर गलत ढंग से पेनल्टी लगाई गई है तो ऐसी स्थिति में वो सैट के समक्ष जा सकता है सिक्योरिटी अपील ट्राइब्यूनल चैप्टर वन में कंप्लेन कर सकता है क्योंकि सैट में अपील फाइल करने का प्रोसीजर भी यही कहता है विद इन फोर्टी फाइव डेज कब से आज से कल से परसू से नर्सू से कब से डेट ऑफ ऑर्डर से ठीक है समझ गए क्या इतना चलो आखिरी का एक छोटा सा हेडिंग आपके सामने जो कि रोल ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी पर आधारित है कि कंपनी सेक्रेटरी क्या क्या करता है कंपनी सेक्रेटरी का क्या क्या काम होता है इन रेगुलेशंस के कंप्लायंस में तो इफ यू हैव अ लुक ऑन दीज पॉइंट्स ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं ये आपके पूरे चैप्टर का रिविजन है राइट फ्रॉम रेगुलेशन थ्री सारे पॉइंट्स यहां पर आ जा रहे हैं चेक कर लो भैया वही सारे पॉइंट है भाई कंपनी सेक्रेटरी इंश्योर करेगा कि रेगुलेशंस का कंप्लायंस हो कंपनी सेक्रेटरी इंश्योर करेगा कि कोड ऑफ डिस्क्लोजर और कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाए समय समय पे जो भी डिस्क्लोजर्स हैं वो सारे मिल जाएँ ट्रेडिंग प्लान्स का अप्रूवल पब्लिक डिस्क्लोजर और उसके आधार पर ट्रेडिंग होना ट्रेडिंग विंडो पे जो रिस्ट्रिक्शन है पॉइंट नंबर सिक्स उसका कंप्लायंस होना जो जो रिकॉर्ड रिक्वायर्ड हैं वो सारे रिकॉर्ड्स का मेंटेन किया जाना समय समय पर स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया जाना ऑल दीज थिंग्स फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी एंड दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर इतनी सब चीजें हैं जो इन ट्रेडिंग में आपको पढ़नी थी यहां आकर के अपना बच्चों हुआ आप अपने स्तर पर इस को अच्छे से कर लीजिए और इसकी कैन फाइंड एट इन आर असाइनमेंट सेक्शन इन केस यूर स्टिल नॉट ऑन दी ऐप डू डाउनलोड इट फॉर ऑल दी अपडेट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आर यूट्यूब चैनल दैट यू यू डू नॉट स्किप ऑन दोज अपडेट्स आज ही स्टॉप कर रही हूं अगले लेक्चर के लिए वेरी सुन बाय एंड टेक केयर